की बड़ी खबर, मिलिट्री कैंप जूही से 3 बच्चे हुए लापता। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे एसीपी और जूही पुलिस। मिलिट्री कैंप चौकी पर लगा जमावड़ा। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मिलिट्री कैंप जूही से 3 बच्चे लापता हुए हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर एसीपी और जूही पुलिस पहुंची। मिलिट्री कैंप चौकी पर लगा जमावड़ा। कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मिलिट्री कैंप जूही से 3 बच्चे लापता हुए। मिलिट्री कैंप जूही से 3 बच्चे लापता हुए हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंचे एसीपी और जूही पुलिस। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, रियान इंटरनेशनल स्कूल में निकला अजगर। अजगर निकलने से स्कूल में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। फॉरेस्ट टीम को सूचना दी गई। फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को बाहर निकाला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेलवे ट्रेन की बोगी से तेल चोरी का खुलासा हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने तेल से भरे 36 कैन बरामद किए हैं। लंबे समय से चल रहा था तेल चोरी करने का धंधा, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उच्च अधिकारी ने शिकायत के बाद पुलिस ने लिया मामले को संज्ञान में, जिसके बाद छापेमारी में तेल के 36 कैन बरामद किए गए। बुखार के मरीजों की बढ़ रही संख्या, लखनऊ से बड़ी खबर, बढ़ते मरीजों से अस्पताल के बेड फुल हुए। मौसम बदलने से बुखार से पीड़ित हो रहे हैं लोग। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, शहर में 32 डेंगू के केस मिले हैं। डेंगू के बढ़ रहे मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अब तक 500 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले। ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज 3 दिन तक रहेगा बंद। लखनऊ से बड़ी खबर, स्टाफ मेंबर के निधन के बाद जारी किया गया है आदेश। कॉलेज के स्टाफ एनी जूड बियर्स का हुआ निधन। स्कूल गुरुवार को अपने तय समय पर खोला जाएगा। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, सैफई स्थित अपने आवास से निकले अखिलेश यादव। अस्थि कलश लेने कोल्ड स्टोर जा रहे हैं अखिलेश। अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए रवाना होगा परिवार। शिवपाल और डिंपल के साथ पूरा यादव परिवार मौजूद है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल करेंगे बाढ़ प्रेस का दौरा।
बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 4500 करोड़ से करीब 1 लाख